नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा। खबर जिला बिजनौर से है, जहां से हम आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता तुषार वर्मा की खास रिपोर्ट। बिजनौर में एक किसान के गन्ने के खेत में नर हाथी का शव पड़ा मिलने से वन विभाग में हड़कंप मच गया। प्रथम दृष्टया हाथी की मौत विद्युत करंट की चपेट में आकर होना माना जा रहा है। सूचना पर वन विभाग के उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का मुआयना किया। दरअसल बिजनौर की सहोवाला वन रेंज के अंतर्गत गांव टांडा साहूवाला निवासी हुकुम सिंह का गन्ने का खेत जंगल के करीब है। सुबह कुछ ग्रामीण खेत पर पशुओं के लिए चारा लेने गए थे। ग्रामीणों ने गन्ने के खेत में हाथी का शव देखा और वन कर्मियों को इसकी सूचना दी। घटना से साहूवाला वन कर्मी में हड़कंप मच गया। सूचना पर साहूवाला वन क्षेत्राधिकारी राजेंद्र प्रसाद ध्यानी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और उच्च अधिकारियों को घटना के बारे में जानकारी दी। शव के पास ही हाई टेंशन विद्युत लाइन का पोल टूटा पड़ा होने के चलते हाथी की मौत करंट की चपेट में आकर होना माना जा रहा है। सूचना मिलने पर वन संरक्षक मुरादाबाद रमेश चंद्र, DFO नजीबाबाद वंदना फोगाट, STO राजीव कुमार, थाना प्रभारी निरीक्षक सुशील कुमार मौके पर पहुंचे। साहूवाला वन क्षेत्र अधिकारी राजेंद्र प्रसाद ध्यानी ने बताया कि हाथी के शव के पास हाई टेंशन विद्युत लाइन का पोल टूटा पड़ा हुआ है। हाथी की मौत करंट की चपेट में आकर होना माना जा रहा है। पशु चिकित्सकों की टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। और इसी के साथ जुड़ रहे बंधन समाचार के साथ